ये अबू धाबी में स्लैश गिफ्ट वालों की तरफ से बड़ी बड़ी अच्छी ऑफर्स वगैरह लगती हैं। तो आज मैं गया था अबू धाबी, वहाँ से मैंने ये एक ब्लेंडर लिया है, आई थिंक 3-in-1 ब्लेंडर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसको टेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आइदर कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं। ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3, 3-in-1 है। इसको जल्दी से ओपन करते हैं। यूज़र मैनुअल और ये इसका मेन जग है, ये आप अंदर से देखें और ये बाहर से भी आप देख सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का है, वो जो रबड़ के होते हैं वो टूट जाते हैं। ये सेकंड चीज़ है, ये आई थिंक मसाले वगैरह पीसने के लिए है। ये भी सेम नीचे से वैसा ही है, मेटालिक है और आई थिंक स्टील का लग रहा है मुझे। और ये ढक्कन आ गया और ये इसके अंदर लगेगा और इसको अंदर स्टीर करने के लिए, अदरवाइज़ आप ये इसके अंदर लगा देंगे ऐसे। ओके जी, ये अब तीसरी चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है, ये आप देखें यहाँ पे, ये मतलब इन्होंने इसकी प्रोटेक्शन दी हुई है क्योंकि इसके ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प हैं। और इसके अंदर भी सेम वही है, मेटालिक, वेरी हैवी ड्यूटी। और ये इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। ये फूड प्रोसेसर है और ये इसके मशीन के ऊपर आएगा। फाइनली ये मशीन आ गई। हाँ, इसको इधर ही रखते हैं। ये मशीन है जी, इस पे ये वाले काफ़ी इसके कंट्रोल है। ये पुश बटन है, ये स्पीड है, ये ऑन ऑफ है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये मेटालिक है, इधर से बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे तो। तो जब हम ये वाला यूज़ करेंगे तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब यूज़ करना है तो ये हमने इसके साथ यूज़ करना है, तो अभी हम ये यूज़ करेंगे तो इसलिए हम इसको साइड पे रख रहे हैं। इसके ऊपर फ्रंट लिखा भी हुआ है। हाँ जी, ये ऐसे लग जाएगा। इसको भी मैं वॉश करता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ। जी, वॉश कर लिया मैंने। अभी इसके अंदर एप्पल और बनाना डालेंगे। और साथ ही मैं बर्फ़ भी डाल दूँगा। और मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला कोई ज़्यादा ही ब्राउन है ये। थोड़ी सी डालूँगा क्योंकि ज़्यादा मैं शुगर नहीं लेता। बहुत है इतनी। और फाइनली इसमें दूध डालेंगे। इतना बहुत है। इसको ऊपर से आपने ऐसे प्रेस करके रखना है। अभी इसको
काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे लग रहा है। ये इसकी पल्स थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो इसकी 100% पावर होती है उस पर चलती है। अब इसको आप कम ज़्यादा करके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी मैं बिल्कुल कम पावर पर रख के, जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अमेजिंग, रिकमेंडेड। इसकी प्राइस है 99 दिरहम और उनके पास कुछ ही पीस थे। अगर आप जाना चाहें तो जाओ के ले सकते हैं। मेरी तरफ से गुड।